Mrs. Uglem, working as a clinical instructor, College of Nursing, PIMS. So, I deals with the PPE, means the personal protective equipment. So, this topic is important for the BSc and JNM also. This is the real demonstration, so watch it up to end. Mental definition. So, specialized equipment or clothing were worn by the health personnel from protect the infectious material. So, क्या होता है इसमें कि हम कुछ ऐसा पहनते हैं जिससे हमको इन्फेक्शन ना हो, इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का डेफिनेशन बोलते हैं. नाउ आई विल टेल द पर्पस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. इन दैट फर्स्ट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन. सो ये जो पहनते हैं हम इक्विपमेंट, इससे क्या होता है कि एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड हो सकता. ओके, फर्स्ट ये पर्पज है उसका. दूसरा है प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, मीन्स जो एक्चुअल प्रोसीजर करने वाला है तो उसका हेल्थ प्रोटेक्ट होता है, उससे जो इन्फेक्टिव पर्सन है उसको उसका कंटामिनेशन नहीं हो सकता. ये दूसरा पर्पज है. तीसरा प्रोटेक्ट द क्लाइंट हेल्थ, क्लाइंट को भी हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता और जो इन्फेक्टिव मटेरियल है वो भी उसके पास नहीं जा सकता. ये तीसरा है. चौथा है प्रोटेक्ट द फैमिलीज हेल्थ. सो ये पहनने से फैमिली का हेल्थ भी प्रोटेक्ट रहता है और प्रोटेक्ट द कम्युनिटी हेल्थ. ये सब उसका पर्पज है. सो इसलिए हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं. एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेशल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सो इन दैट फर्स्ट इज अ कैप. कैप, तो कैप क्या करता है, हेड को कवर करता है. ओके, दूसरा है मास्क. मास्क ऑल्सो कवर द नोज एंड माउथ. ओके, तो मास्क पहनने से क्या होता है, जब कोई आदमी छींकता है या कोई ऐसा बात करते वक्त कुछ स्प्लिट होता है या कुछ होता है तो डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड हो सकता. ओके, तीसरा है गाउन. सो गाउन ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्किन एंड क्लॉथिंग्स. ओके, आफ्टर दैट ग्लोइंग ग्लोव. सो ग्लोव ऑल्सो प्रोटेक्ट द हैंड्स. ओके, तो हम कोई भी पेशेंट को जाकर टच करते हैं तो उधर उधर ब्लड रहता है या उसको सर्जरी हुआ होता है तो उधर से कुछ फ्लूइड निकलता है या कुछ ऐसा इन्फेक्टिव मटेरियल रहता है तो डायरेक्टली हम उसको टच नहीं कर सकते और ये ग्लोव्स की वजह से हम क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है. तो ये उसका टाइप्स है. सो पीपी किट पहनने से पहले की पॉइंट है वो आपको याद रखना है. इन दैट फर्स्ट वेयर पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिफोर एंटरिंग द पेशेंट्स रूम. ओके, यानी आपको पेशेंट के पास जाना है, उसका केयर लेना है तो उसके पहले आपको ये पीपी किट पहनना है. दूसरा है डू नॉट कंटैमिनेट. ओके, ये पहन लिया एक बार तो कहीं भी उसको टच नहीं करना चाहिए और कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. ओके, तीसरा है रिमूव एंड डिस्कार्ड केयरफुली. सो आफ्टर यूज ये अच्छे से डिस्कार्ड करना चाहिए और अच्छे से रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से नहीं रिमूव किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते. सो इसको अच्छे से प्रॉपरली डिस्पोज कर दो. आफ्टर दैट इमीडिएटली हैंड वॉशिंग. सो बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉशिंग इज मस्ट. सो कोई भी प्रोसीजर होने के पहले और होने के बाद हैंड वॉशिंग जरूरी है. तो ये बात आप याद रखना है ये पीपीई किट पहनने से पहले. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट. सो एवरी प्रोसीजर देयर इज अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट. सो इसमें भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट है. सो ट्रे प्रिपरेशन एंड सेल्फ प्रिपरेशन. ओके, क्लाइंट इज नॉट देयर सो ओनली टू प्रिपरेशन इज देयर. सो इन दैट ट्रे प्रिपरेशन ये स्टराइल ट्रे है, इसमें हमने सब स्टराइल इक्विपमेंट रखे हैं. इसमें पहला है कैप. ओके, ये कैप है वो हेड को कवर करता है. ओके, देन ये मास्क है नोज और माउथ को कवर करता है. इसके बाद ये गाउन है, तो ये गाउन हमारा स्किन को और क्लॉथिंग को कवर करता है. इसके बाद ग्लोव्स है, ये ग्लोव्स हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करता है. ओके, ये सब
ट्रे प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन सो रिंग्स रिमूव करना है, ज्वेलरीज है वो भी निकालना है, बैंगल्स है और नेल्स भी कट होना चाहिए। ओके, ये हमारा खुद का प्रिपरेशन है। इसके बाद जब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो हैंड वॉशिंग मस्ट रहता है। सो यू फॉलो दैट ऑल स्टेप्स बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ डाउनिंग एंड डफिंग ऑफ द पीपी। सो ये चार चीजें जो है वो पीपी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो बिफोर दैट प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप इज अ हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर। सो आई एम यूजिंग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। सो सैनिटाइज ये होने के बाद मैं पहले कैप का प्रोसीजर करने वाली हूं। ओके, सो ये कैप जो रहता है तो उसमें फिक्स रहता है, तो अपने हाथ से उसको अनफोल्ड करने का है। ओके, सो धीरे धीरे उसको अनफोल्ड करके ये अच्छे से ओपन करने का है पहले, फिर बाद में उसको अच्छे से होल्ड करके हमारे सर को अच्छे से कवर करना चाहिए। ओके, अभी कैप होने के बाद फिर हम मास्क की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो है मास्क। सो हमारा हाथ जो है वो स्टराइल किया हुआ है, तो हम अच्छे से उसको एज को होल्ड करेंगे। ओके, तो ये होल्ड करने के बाद मास्क को कहीं भी टच नहीं करना है, तो ये मास्क हमारा माउथ नोज और चिन कवर कर लेगा। ओके, और इधर नोज पे पिंच करने का है, तो उसको टच नहीं करना है कहीं भी, फिर नीचे लेना नहीं है या इसको ऐसे निकाल के रखना नहीं है। तो ये जब हम निकालते हैं तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। सो इसलिए इसको निकालना नहीं है, तो निकालेंगे तो डायरेक्टली फेंकने के लिए निकालना है। आगे का जो है इक्विपमेंट वो है गाउन। ओके, ये गाउन स्टराइल गाउन है, तो इसका जो एजेस है वो हम अच्छे से पकड़ना है ऊपर का। ओके, बाकी कहीं भी उसको टच नहीं करने का है, सिर्फ इसका दो एजेस पकड़ के इसको अनफोल्ड करना है। ओके, अनफोल्ड करके इसको हाथ से अंदर डालना है और असिस्टेंट को बोलना है कि उसके धागे को अच्छे से बांध ले। ये अप्रोप्रिएट साइज का चाहिए और उसको आगे से भी अच्छे से टाई करना है। ओके, ये पहनने के बाद हमको कहीं भी जाना नहीं है, टच करना नहीं है, और इसके बाद हम ग्लोव का प्रोसीजर करने वाले हैं। अभी मैं ग्लोइंग का प्रोसीजर करने वाली हूँ। ये ग्लोव जो रहते हैं वो डिस्पोजेबल ग्लोव है, ये पैकेट में रहते हैं, तो उसे अच्छे से खोल के फिर ये ग्लोव इधर रखना है। ओके, इसके बाद हम ये स्टराइल ग्लोव को अच्छे से ओपन करेंगे। ओके, सो ये स्टराइल ग्लोव है, इसको ओपन करके फिर हम जो हाथ हमारा वर्किंग में नहीं है उसको वो हाथ से इसका ऊपर का एज पकड़ना है, फिर उसके बाद ये जो हाथ हमारा है वो अच्छे से इधर डालना है। फिर उसके बाद जो दूसरा हाथ है जिसमें ग्लोव पहना हुआ है उसके दो फिंगर से स्टराइल एरिया में पकड़ना है, फिर दूसरा हाथ उसमें डालना है अच्छे से, तो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। ये दूसरा हाथ भी उसमें डालना है अच्छे से, इधर कुछ प्रॉब्लम है तो इससे सिर्फ ऐसा करके फिक्स करना चाहिए। ये हो गया
ग्लोव्स का प्रोसीजर, मैं डफिंग का प्रोसीजर बोलने वाली हूँ. डफिंग मीन्स द रिमूवल ऑफ पीपीए किट. ओके, सो मैं ये प्रोसीजर होने के बाद हम स्टराइल जो सैनिटाइजर है वो हाथ में लेंगे, इसको सब कवर करेंगे. उसके बाद इसका एज जो है उसको अच्छे से पकड़ेंगे. ओके, उसके बाद ये उल्टी तरफ से निकालेंगे, तो ये कहीं भी टच नहीं होना चाहिए. ओके, ये पहला वाला निकालने के बाद दो फिंगर्स से ऐसा डाल के फिर ये ग्लोव्स रिमूव करना है और डिस्पोज करना है. ये हो गया ग्लोव्स निकालने का प्रोसीजर. अभी गाउन रिमूव करना है, डफिंग करना है उसको, तो उसके पहले हमारा जो हाथ को टाइट किया था वो पहले ढीला करके फिर बाद में वो जो नॉट पीछे रहता है वो भी निकालने के लिए बोलना है. उसके बाद हमने के पास अच्छे से होल्ड करके फिर एक एज ऐसा उल्टी तरफ से निकालेंगे और उसको फोल्ड करेंगे. ओके, ऐसे फोल्ड करते करते दूसरी तरफ जाएंगे और इसे अच्छे से निकाल के फिर डिस्पोज करना है. जहाँ पे हम डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजेबल किट है तो डायरेक्टली उसको बर्निंग के लिए भेजना है, या क्लॉथिंग है तो वॉश करने के लिए भेजना है. हम मास्क निकालने वाले हैं. मास्क निकालते वक्त याद रखना है कि उसके एक ही एज को पकड़ के फिर निकालना है और उसको अच्छे से फोल्ड करके फिर उसको डिस्पोज करना है. इसके बाद हमारा जो सर पे कैप है उसको भी अच्छे से निकाल के फिर डिस्पोज करना है. ये सब निकाल के फिर हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर करना है. ये जरूरी है. बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉशिंग इज मस्ट, सो इट अवॉइड द क्रॉस इन्फेक्शन.